हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका वाईफाई स्टडी विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। अभी अभी क्लास हुई थी आपकी वाईफाई स्टडी पे और अब जुड़े हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। काफी सारे बच्चे परेशान थे, सर क्लास क्यों नहीं शुरू हो रहा है, लेट हो गया। बच्चे अच्छा बताओ, वहां से यहां तक पहुंचने में समय लगा? आप तो आप करते क्या हो, लिंक को कॉपी किया और बस स्विच कर गए। भाई मुझे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, अभी टेक्निकल वर्क भी करना पड़ रहा है मुझे, टेक्निकल वर्क भी करना पड़ रहा है मुझे। तो बताओ, थोड़ी सी तो डिले होगा ना, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उसे उसकी भरपाई मैं कर दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जरा सा एक काम करना, अपने अपने दोस्तों को जरा सा लिंक को कॉपी करके शेयर कर दो, ताकि और सारे बच्चों को पता चल सके, क्या कि जो क्लास से शुरुआत है बिल्कुल धुआं धमाकेदार। हाँ देखो, मिश्रा जी को नींद लग गया भैया। मिश्रा जी पता नहीं रात में क्या करते हैं, हम तो बुलाती है जाने का भी नहीं, लेकिन पता नहीं मिश्रा जी कहां रात में चले जाते हैं। मिश्रा जी दिन हो गया, सुबह हो गया, ठीक है, इसलिए उठ जाइए। अब बात करें सर, आपको डीआरडीओ की भी तैयारी करा रहे हैं, रेलवे साइंस भी लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल तैयार रहिएगा अनअकैडमी के लिए। और एक बच्चा कमेंट करता सर, सीबीएसई क्लास के लिए क्या टाइप करें? तो आप जहां गोल में जाते हो वहां नीचे जाते जाना, देखना वहां भी सीबीएसई लिखा होगा, सीबीएसई लिखा होगा, बस कोड यूज करना बाबा 10, बाबा 10, ठीक है। और दो चैनल बनाए गए आपके लिए, एक लाइव टेस्ट के लिए, बिल्कुल लाइव टेस्ट दो, आपकी तैयारी पता चलेगी कि आप तैयार कितना हो, और एक डिफेंस एग्जाम की, दो चैनल आपके लिए जो बिल्कुल नया, ताकि ज्वाइन करें और अपने फायदा उठाएं। खेमचंद आर्या जी, आप इतने परेशान हैं, मुझे ये समझ नहीं आता, मैम की क्लास 10 बजे होती है, मैं आपको कह चुका हूं रेलवे की। आप बताओ, अपने घर का एड्रेस दे दो, मैं पूरा एड्रेस लिख के दे दूंगा कि वो कितने बजे लेती है, कहाँ लेती है। यार कैसे जॉब लोगे बच्चे, हमें समझ नहीं आता, इतना अवेयर नहीं है। कल होके आपकी ज्वाइनिंग अगर रेलवे रूरल एरिया में दे देगा तो आप घर वालों को लेकर जाओगे कि भैया हमें ज्वाइनिंग कराने के लिए ले चलो। मैं पहले कह चुका हूं कि जिस टाइम में हमारी क्लास चलती थी 10 बजे, उसी समय में क्लास चलेगा ना सर रेलवे की। अब तक कितनी क्लास हो चुकी है? अब तक 3 लेक्चर हुआ है, ये चौथा लेक्चर है आपका। तो आज बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की, यानी मॉडर्न हिस्ट्री उत्तर प्रदेश का। सबसे पहले सर 1857 की संग्राम की बात करें, उसके पहले मंगल पांडे, जो बैरकपुर की 34वीं छावनी का आर्मी था, और 29 मार्च 1857 को उसने विद्रोह किया और 8 मार्च 1857 को फांसी दे दी गई। एक क्वेश्चन आता है कि सर मंगल पांडे कहां का रहने वाला है? तो ये नगवा, इनका जन्म कहां हुआ था? नगवा में हुआ था। जरा बताइए कमेंट बॉक्स में, नगवा यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट में है? नगवा यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट में है? जल्दी नगवा यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट में है, जल्दी। और 29 मार्च 1857 को इन्होंने बैरकपुर छावनी, जो कलकत्ता में स्थित है, मिदनापुर में, वहां इन्होंने विद्रोह किया, और 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में इन्हें फांसी दे दी गई। तो नगवा कहां है बच्चे? बलिया डिस्ट्रिक्ट। तो मंगल पांडे जिनका जन्म 19 जुलाई 1857 को कहां हुआ? नगवा में। नगवा में, नगवा कहाँ है? नगवा है बलिया डिस्ट्रिक्ट में, बलिया डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ बच्चे? बलिया डिस्ट्रिक्ट में। और 8 अप्रैल 1857 को इनकी मृत्यु हो जाती है, याद रखना। तो मंगल पांडे एक भारतीय सैनिक जिनका जन्म नगवा बलिया में हुआ था, जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैलने से पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई थी। इन्होंने विद्रोह कर दिया 1857 के विद्रोह के पहले। तो क्यों विद्रोह किया? शिवम शर्मा जी, मैं सारा कुछ वीडियो के पहले लेक्चर में बताया हूं। तो बच्चे सारा का सारा कितने मार्क्स नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, तो एक काम करना, प्लेलिस्ट बनी है इसकी, वीडियो पहली वीडियो में देखना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
मिल जाएगा पीडीएफ, परेशान ना हो, पहले पढ़ लो। तो पीडीएफ पीडीएफ करते रहोगे कुछ हासिल नहीं होगा। बैठ के घर में पढ़ते हो ना बच्चे, तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक रख रख लो, कुछ लिखते चलो। तो 1857 के रिवोल्ट में मेरठ की मूल सेना ने भी, जो पैदल सेना थी, जो देसी सेना थी, उसने भी, देसी सेना थी, उसने भी कारतूस को छूने से इनकार कर दिया, प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो कौन? मेरठ की 20वीं एनआई और 2nd एनआई, और 2nd एनआई दोनों ने क्या किया? दोनों ने छूने से इनकार कर दिया। विद्रोही सैनिकों और जमींदारों ने अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद आदि में अपनी सरकारें स्थापित कर दी। तो याद करिए कि 10 मई 1857 को रिवोल्ट की शुरुआत कहां से की गई थी? मेरठ से की गई थी। कहां से की गई थी? मेरठ से की गई थी। याद रखना, कहां से की गई? मेरठ से कर दी गई थी। ठीक है सर। इस विद्रोह में अवध की बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। इस विद्रोह में रानी लक्ष्मी बाई ने कहा तो झांसी में विद्रोह किया, झांसी में विद्रोह किया। नाना साहब ने कानपुर में विद्रोह किया। कहा? कानपुर में विद्रोह किया। शशि जी कोई दिक्कत नहीं है? कुछ बच्चे परेशान आत्मा होते हैं, परेशान आत्मा समझते हो ना, वो जिंदगी भर परेशान रहेंगे, छोटे छोटे परेशानियों से घबराएंगे, छोटे छोटे समस्या को बड़ी समस्या बनाकर अरेस्ट करेंगे। तो कुछ बच्चे होते हैं वो आप चेंज भी नहीं कर सकते हो, कतई चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है। और 21 मार्च 1858 को कॉलिन कैंपबेल द्वारा लखनऊ की पुनर्स्थापना की गई, यानी कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ को अपने अंदर रख लिया, लखनऊ को अपने अधिकार में ले लिया, अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये इतने इंपॉर्टेंट हैं जो आप सोच नहीं सकते हो अभी जब एग्जाम हॉल में जाओगे। तो 1857 के विद्रोह में तात्या टोपे ने अंग्रेजों को अपनी गनी मिकावा रणनीति से डरा दिया। तो सर ये कैसे रणनीति थी? बिल्कुल शिवाजी की रणनीति, शिवाजी की रणनीति। शिवाजी ने, अरे बिल्कुल मिश्रा जी, इंडिया के जीके पढ़ाएंगे, नींद खुल गया आपका? अभी तो आप सो रहे थे, पहले यूपी तो पढ़ लो, यूपी पढ़ लोगे ना बच्चे। इंडिया का जीके तो हर जगह पढ़ा रहे हैं, चाहे आप सुबह 9 बजे की बात करो, या आप 1 बजे की बात करो, या 7 बजे वाले क्लास की बात करो। ठीक है। बिल्कुल अमरजीत कुमार, बिल्कुल सही बात कहा आपने। ठीक है, अब यहां बताइएगा, तो ये क्या था? ये शिवाजी का छापा मार नीति था, ये छापा मार नीति था ये। ठीक है, तो तात्या टोपे ने अंग्रेजों को रणनीति से डरा दिया। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1959 को फांसी दे दी गई, फांसी दे दी गई। ठीक है, 1858 में यूपी राज्य की राजधानी। देखो एक चीज हमेशा समझना, जब पढ़ाते हैं तो बिल्कुल कोई क्वेश्चन मत करिए तो सीख पाइएगा, अदरवाइज क्या होगा, आपके दिमाग में, हमारा दिमाग है ना, ये 1400 ग्राम का कीड़ा चलता रहता है कुछ ना कुछ। तो ना, अब देखो ना, आप जो मैं पढ़ाया ये सीख पाए, ये सीख पाया, और ना ही बच्चा आपके दिमाग में है वो क्वेरी, तो मैं लूंगा नहीं क्योंकि मैं अभी पढ़ाने पे बिजी हूं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपके दिमाग का कीड़ा चलता रहेगा या फिर आप इसे पढ़ोगे, आप इसे पढ़ोगे, बाकी बात आप खुद समझदार हो।
ठीक है। तो 1858 में राज्य की राजधानी को आगरा से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया, यानी पहले राज्य की राजधानी कहां थी, आगरा थी, अब कहां लाया गया, इलाहाबाद लाया गया। मैंने कल पढ़ाया था कि लखनऊ राजधानी कब बना है, लखनऊ राजधानी 1920 में बनाया गया है। कब बनाया गया है, 1920 में बनाया गया है। सर सबसे पुरानी जो यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूपी की, आपको पता है, तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने की थी, जो बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का रूप बना। तो सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की स्थिति में सुधार के लिए अलीगढ़ आंदोलन शुरू किए, अलीगढ़ आंदोलन शुरू किए, ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन शुरू किए। एक अब एक चीज और समझिएगा, आपको पता है 1885 में कांग्रेस की स्थापना की गई। सर प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है कि 1947 तक यूपी में कितने कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, अभी अचानक से पूछ दिया जाए बच्चा परेशान हो जाएगा, कितने अधिवेशन हुए थे, कितने अधिवेशन हुए थे, तो 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 9 सेशन यूपी में हुए थे, कितने, 9 सत्र यूपी में हुए थे। तो कौन कौन सा सत्र हुआ था, नोट डाउन करना, पहला इलाहाबाद में 3 सत्र हुए हैं, 1888 में, 1892 में, 1910 में। जॉर्ज यूल जो पहले अंग्रेज थे, पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे, तो इलाहाबाद में 3, टोटल कितने हुए हैं, 9। लखनऊ में 3 हुए हैं, लखनऊ में 3, 1899 में रोमेश चंद्रदत्त अध्यक्ष बने, 1916 में अंबिका चरण मजूमदार, जब लखनऊ पैक्ट हुआ था, लखनऊ पैक्ट हुआ था, समझौता हुआ था किसके किसके बीच, गरम दल नरम दल के बीच समझौता, और मुस्लिम लीग भी पार्टिसिपेट की थी। 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, यानी 3 इलाहाबाद 3 लखनऊ, कितने हुए, 6, 3 की बात करेंगे। 1905 में बनारस गोपाल कृष्ण गोखले, और इसी 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू, आपको याद होगा पहली महिला कांग्रेस भारतीय, पहली भारतीय महिला कांग्रेस, पहली भारतीय महिला कांग्रेस। और 1946 में मेरठ में आचार्य जेबी कृपलानी, जो क्वेश्चन आता है कि जब भारत की आजादी मिली तो अध्यक्ष कौन थे, जेबी कृपलानी, क्यों, क्योंकि 1947 में कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, नहीं होता है। समझ में आ गया, अगर समझ में आ गया तो सेशन को लाइक करना, जरा सा शेयर करो यार, देखो इतना एफर्ट लगाते हैं आप, अपने शेयर तो कर दो कम से कम, बताओ सबको कि यूपीएसआई की क्लास शुरू हो गई, यूपी कांस्टेबल की, यूपी वीडियो की, यूपी लेखपाल की, तभी तो मजा है क्लास करने में। नवंबर 1928 में लखनऊ में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, यानी यूपी कब आया साइमन कमीशन, तो नवंबर में, जबकि आपको पता है कि फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बंबई आता है, कब, बंबई आता है। यूपी कब आया, नवंबर 1928 में, जहां साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, विरोध किया गया, क्योंकि एक भी इंडियन भारतीय शामिल नहीं थे। जनवरी 1950 में संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया, उत्तर प्रदेश रखा गया, क्या रखा गया, उत्तर प्रदेश रखा गया, यानी पहले इसका नाम क्या था, संयुक्त प्रांत था। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बताइए क्या है, कि यज्ञदत्त शर्मा ने हिंडन नदी पर मध्यकालीन आलमगीरपुर की खोज की कब, क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी। जल्दी बताओ, तो क्या होगा, 1958 में हिंडन नदी के किनारे मध्यकालीन आलमगीरपुर, आपको पता है कि इंडस सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी सभ्यता का ये पूर्वी छोर है, कौन सा छोर है, पूर्वी छोर है, कौन सा छोर है, ये पूर्वी छोर,
यानी स्तन पाठ है ये आलमगीरपुर, याद रखना। कौन सा पाठ है? स्तन पाठ है, पूर्वी छोर है। कौन वर्तमान में सिद्धार्थ नगर के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर टू, कपिल वस्तु, कोसल, कुशीनगर, कांपिलिया। जल्दी अरे जरा मुझे भी कोई गुड मॉर्निंग कर दो। मंगेश, प्रीति आपस में लगे हो। कौन वर्तमान में सिद्धार्थ नगर के रूप में जाना जाता है? कपिल वस्तु को सिद्धार्थ नगर के नाम से जानते हैं। कपिल वस्तु नेपाल की तराई में, कपिल वस्तु नेपाल की तराई में लुम्बिनी का। मोनिका जी पढ़ लीजिए, काहे परेशान है, जल संधि और जल धारा के रूप में पहले पढ़ लो। जो पढ़ने के लिए आई होता है ये पढ़ पाओगे ना वो, मैं कमेंट देखता हूं जरूर हूं लेकिन इग्नोर मारता हूं। किस लिए? क्योंकि पढ़ नहीं पाओगे ना ये सीख पाओगे। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे? 10, 15, 20 और 22। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी देख लो। कुशीनगर कॉन्फिडेंस थे आप लोग, ऐसे ही गलती करके आओगे एग्जाम हॉल में। ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे? 22 वर्ष लगे हैं। कितने लगे? 22 वर्ष लगे हैं, क्योंकि 1631 में शुरुआत हुआ और 1653 में एंड हो गया। 1653 में एंड हो गया, यानी कितने वर्ष लगे हैं? 22 वर्ष लगे हैं। और मैं ये बता दूं कि ये एग्जाम में पूछा गया है आपके लेखपाल वाले पेपर में, लेखपाल वाले पेपर में पूछा गया है। तो इसीलिए कहते हैं तैयारी जबरदस्त करिए अभी से ही, क्योंकि जैसे ही वैकेंसी आएगा, चाहे वीडियो की बात करें, चाहे यूपीएसआई कांस्टेबल की बात करें, यूपी जीके क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, हमेशा याद रखना। तो अभी ये यूपी जीके चलेगा, बीच में सिलसिलेवार ढंग से लेकर चलेंगे चैप्टर वाइज। ताजमहल के निर्माण में 22 साल लगे हैं अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। यूनेस्को भी मानता है, बीबीसी भी मानता है, भारत सरकार भी मानती है। जिसका निर्माण 1631 में शुरू हुआ, 1653 में काम पूरा हुआ, बनाने में 20,000 मजदूरों ने काम किया है, 20,000 मजदूरों ने, जिनमें भारत के अलावा फारस और तुर्की के मजदूर थे। फारस यानी ईरान। जो बनाया इंजीनियर कौन थे? तो इंजीनियर थे, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में कि ताजमहल का आर्किटेक्चर या इंजीनियर कौन था, ताजमहल का आर्किटेक्चर या इंजीनियर कौन था। तो मुगल सम्राट शाहजहां ने इस मकबरे को अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपनी लकड़ी की नक्काशी के काम के लिए जाना जाता है? सहारनपुर, कानपुर, प्रयागराज, बरेली। चलिए जल्दी क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, यूपी फॉरेस्ट, बिल्कुल पुष्पा जी। उस्ताद अहमद लाहौरी, वीरेंद्र पटेल का जवाब, प्रदीप कुमार जी का जवाब और उस्ताद ईसा खान, दो। देखिए प्रशांत मिश्रा ने भी कह दिया, बहुत बढ़िया। मंगेश का भी जवाब। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने लकड़ी नक्काशी के लिए जाना जाता है? सहारनपुर अपनी लकड़ी नक्काशी के काम के लिए जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। वेयर इज द ओल्डेस्ट म्यूजियम ऑफ द उत्तर प्रदेश सिचुएटेड? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहां स्थित है? इलाहाबाद, मथुरा, लखनऊ, वाराणसी। तो सबसे पुराना जो म्यूजियम है वो लखनऊ में लोकेट है। कहां? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिए। राजनाथ सिंह वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी इन विच ईयर? राजनाथ सिंह किस वर्ष में यूपी के मुख्यमंत्री थे या बने थे? 2001, 2000, 2002, 2003। अरे सलमानुद्दीन का है परेशान हो यार, नाम ले लो सर, नाम ले लो, क्या करोगे? घर वालों को सुनाओगे कि देखो गुरुजी हमारा नाम लेते हैं, जवाब तो देते नहीं हो। क्लिप काट के भेजोगे किसी और को, कहीं ऐसा तो नहीं निकाह करने की तैयारी चल रही तुम्हारी?
राजनाथ सिंह किस वर्ष यूपी के मुख्यमंत्री बने? 2000 ईस्वी में यूपी के मुख्यमंत्री बने थे, और इसी समय यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, 2000 ईस्वी को, ठीक है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? लखनऊ, आगरा, कानपुर, मेरठ, जल्दी। देख लो 2002, जो मन में आए कह दो। तो नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां? कानपुर में लोकेट है। कहां लोकेट है ये? कानपुर में लोकेट है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? अपर गंगा कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, बकिंघम कैनाल या शारदा कैनाल? जल्दी। भाई अब आप बताओ, यूपी की तैयारी करते हो, अब खुद सोचो, चाहे यूपी फॉरेस्ट हो, एसआई हो, कांस्टेबल हो, वीडियो हो, लेखपाल हो, यूपी टेट हो, या यूपी पीसीएस लोअर हो, अपर हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, ये क्वेश्चन बता कर आएगा क्या कि मैं, अच्छा ये लंबी नहर वाला है ये मैं आऊंगा यूपी एसआई में, ये आऊंगा यूपी कांस्टेबल में, अच्छा मैं एसआई में आ चुका हूं फॉरेस्ट में नहीं आऊंगा? अरे सर कॉमन सेंस तो लगाना पड़ेगा कि यूपी जीके पढ़ रहे हैं तो यूपी जीके जितने यूपी बेस्ड पेपर होंगे सब में आएगा बच्चे, सब में आएगा, ये बिल्कुल समझना। तो सबसे लंबी नहर कैनाल में जो है वो शारदा कैनाल है। क्या बच्चे, चंद्रशेखर आजाद किस पार्टी के सदस्य थे? बिल्कुल मजेदार सवाल। और ये आज मैंने जो क्वेश्चन कराया ये केवल यूपी जी के ही नहीं, जितने भी एग्जाम की तैयारी करते हो वो सबके लिए है, आप गौर से देखना। जल्दी चंद्रशेखर आजाद की बात करेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1928 में कानपुर में किया गया था। सॉरी दिल्ली में किया गया था, फिरोजा कोटला में, दिल्ली में किया गया था फिरोजा कोटला में। तो एचएसआरए, अगर एचआरए की बात करेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1924 में की गई थी, इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। तो अभी से तैयारी कर दो। आजाद हिंद फौज की बात करेंगे तो ये कौन थे? नेताजी। ये कौन थे? नेताजी थे। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो आपको पता है। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करेंगे तो यहां पर कौन था? जो ट्रेन डकैती हुआ था, ट्रेन रॉबरी काकोरी में, ट्रेन रॉबरी हुआ था 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल, मंगेश कुमार दिल्ली में था, दिल्ली फिरोजा कोटला में स्थापना हुआ था, कानपुर नहीं। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? कानपुर, लखनऊ, नोएडा, वाराणसी? एनटीपीसी वाले के लिए क्या लाए हैं सर? एनटीपीसी वाले सलामुद्दीन के लिए सर सुबह 9 बजे क्लास आपको मिलता है, 1 बजे क्लास मिलता है, शाम को 6 बजे मिलता है, फिर आपको शाम के 7 बजे मिलता है। और अगर आप चाहते हो अनअकैडमी पे जुड़ना तो मोस्ट वेलकम, आओ ना, वहां रेलवे साइंस लेकर आ रहे हैं,
जुड़िए, एसएससी चल रहा है, जुड़िए डीआरडीओ चल रहा है, जुड़ो ना। मैं तो चाहता हूं कि बच्चे अपने जुड़ो और सिलेक्शन लो। तो भारत कला भवन उत्तर प्रदेश वाराणसी में स्थित है। कहां? वाराणसी में स्थित है। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, शेयर कर, मैक्सिमम शेयर करो ताकि और क्लास धमाकेदार चले, हमें भी एनर्जी लगे कि नहीं बच्चा है, 500,000 बच्चे हैं, मजा आ गया पढ़ाने में। और अगर मेरे से जुड़ना चाहते हो, चाहे रेलवे की तैयारी, एसएससी की या डीआरडीओ की, अभी डीआरडीओ का करंट चल रहा है, बिल्कुल अनकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए, उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद मोबाइल नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी करेंगे। गोल होना चाहिए आपका डीआरडीओ के लिए सीडीएस एफकैट, रेलवे, रेलवे क्योंकि रेलवे भी चलेगा, साइंस एसएससी एग्जाम भी लेकर आ रहे हैं। तो गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कितने मंथ का, तो कभी भी अपना पैसा मत इन्वेस्ट करना 1 महीने और 3 महीने में, मैं हमेशा कहता हूँ 6 महीने या 12 महीने कम से कम, क्योंकि प्री के बाद मेंस भी सपना समझोइए, केवल प्री पास करने से कुछ हासिल नहीं होगा। कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद रेफरल कोड, जो हमारा रेफरल कोड है BA BA 10, जिससे आपको 10% का गेट इंस्टेंट रिबेट मिलेगा, छूट मिलेगा। जैसे एसएससी का 6,000 है 5400, डीआरडीओ का 8,000 है 7200। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है सर, 8,000 में तो जॉब लग जाए तो और क्या चाहिए, क्योंकि मैथ रीजनिंग सब कुछ मिलेगा डीआरडीओ का। कैसे पेमेंट करें, आपके पास पूरा अधिकार है, चाहे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, गूगल पे, पेटीएम, जहां भी पैसा आप पे कर सकते हो। अब मुझसे जुड़ सकते हो एमबी पेज पे, व्हाट्सएप नंबर जहां पे अनअकैडमी से जुड़ने में जरिए से भी परेशानी हो तो मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, पीडीएफ आपको चैनल पे डाल ही देते हैं, और ग्रुप में जहां पे 18,000 बच्चे हैं आप मैसेज कर सकते हो, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।